एवरीवन, वेलकम टू बुडापेस्ट। यार हवा देखो यार, कितनी तेज। तो ये सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ एम्स्टर्डम से इंडोविन एयरपोर्ट के लिए। इंडोविन एम्स्टर्डम से लगभग 1 घंटे की ट्रेन की दूरी पे है, लेकिन क्योंकि मेरी 8 बजे की फ़्लाइट थी तो मुझे सुबह 4 बजे निकलना पड़ा। तो एयरपोर्ट से निकलने से पहले मुझे बस 2 काम करने हैं। उसमें से पहला काम है मुझे ट्रैवल कार्ड लेना है जो 72 आवर्स का होता है, और मुझे एटीएम से यहाँ की लोकल करेंसी निकालनी है। तो अभी मैं इस एयरपोर्ट की यूरोनेट की एटीएम में कैश विड्रॉ करने आई, तो जो अमाउंट यूरो में 80 होना चाहिए था वो यहाँ पे 90 है। तो फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला ये लोग विड्रॉल चार्जेस लेते हैं, और यूरोनेट प्राइवेट है तो अगर कोई भी प्राइवेट एटीएम है यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर मैंने रेडिट में पढ़ा कि यहाँ पे जो लोकल बैंक से आपको वहाँ से अगर आप पैसे निकालोगे उनकी एटीएम से तो वो सस्ता पड़ेगा। तो वो एटीएम्स मेन बुडापेस्ट में बहुत ईजीली अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं पैसे नहीं निकालूँगी। अभी मेरे उस बस के लिए पास है तो आराम से मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगी, और फिर हॉस्टल के आसपास देखूँगी कोई एटीएम मिलता है कि नहीं। सो एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे 100E की बस दिख गई जो सीधा मुझे मेरे हॉस्टल के सामने ड्रॉप करेगी। तो पहुंच गई हूँ मैं अपने हॉस्टल में, और ये है मेरा रूम। ये 6 बेड फीमेल डॉर्मेटरी है, और अभी इस रूम में शायद 3 लड़कियाँ रह रही है इंक्लूडिंग मी। ये है मेरा बेड, तो इसमें मैं जानबूझ के 1-2 सामान छोड़ के जाऊँगी ताकि दूसरों को पता चले ये बेड टेकन है। और इसके साथ उन्होंने दिया है एक लॉकर, ये वाला है मेरा लॉकर और ये की कार्ड से ही खुलता है। और रूम में है एक मिरर, और मैंने बस अपना टी शर्ट चेंज किया है। वैसे पिछले वाला एयरपोर्ट वाला टी शर्ट भी ब्लैक कलर का था और ये भी ब्लैक का, तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने चेंज किया है। और ये है बाथरूम, तो काफ़ी डिसेंट साइज है। तो अभी हम निकलते हैं हॉस्टल से बाहर और एक्सप्लोर करते हैं बुडापेस्ट सिटी। जो OTP बैंक है ये यहाँ का लोकल बैंक है, और जब इसमें मैंने सिमिलर अमाउंट डाला बॉर्डर शेयर करता है, और मेरे पीछे आप जो ये नदी देख रहे हैं ये नदी ही बुडापेस्ट की लाइफ लाइन है। तो अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप हंगरी आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हंगरी भी शेंगेन कंट्रीज के अंदर आता है। लेकिन वियर्ड बात ये है, इनकी करेंसी यूरोज में नहीं है, इनकी करेंसी हंगेरियन फ्रंट। तो इसीलिए आपको चारों तरफ शहर में ATM और करेंसी एक्सचेंज के दुकान दिख जाएंगे। मेरे पीछे जो ग्रीन कलर का ब्रिज है इसको बोलते हैं चेन ब्रिज, और ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस व्यू पॉइंट है, कि यहाँ से ये नदी दिखती है, और यही वो नदी है जो बुडापेस्ट को अलग अलग करती है। तो बुडापेस्ट खुद एक सिटी नहीं है, 2 सिटी है, एक का नाम है बुडा, दूसरे का नाम है पेस्ट, और ये नदी ही बुडा और पेस्ट को अलग करती है।
आज का वेदर बहुत ज्यादा प्यारा भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि आज पूरा आसमान बादल से भरा हुआ है तो कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन बिल्कुल धूप भी नहीं है और उतना ठंडा भी नहीं है जितना नीदरलैंड में ठंडा होता है। तो मैं यहाँ पे बस एक सिंगल लेयर जैकेट में हूँ, ना मैंने कोई थर्मल पहना है, और सुबह सुबह मैं 4 लेयर पहन के आई थी। €7 का टिकट था, मेरे पास कैश होते भी मैं यूज़ नहीं कर पाई, लेकिन ये व्यू टोटली वर्थ इट है। यहाँ से पूरा बुडापेस्ट दिखता है। तो वो जो बिल्डिंग है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और दूर में वो जो ग्रीन कलर का ब्रिज है वही चेन ब्रिज है जहाँ से हम अभी देख के आए हैं। वही हुआ, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, लेकिन उतनी तेज बारिश नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हवा है, ओ माय गॉड, मेरे हाथ एकदम जम गए हैं। लकीली मैं ग्लव्स लेके आई हूँ, दो मैंने एक ही जैकेट पहना है जो कि अब मुझे भारी पड़ रहा है, क्योंकि इतना वेदर खराब हो रहा है। मैं शायद और आज कुछ एक्सप्लोर नहीं करूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैं कल करूँगी। तो अभी हम निकलते हैं फिशरमैन बैस्टन से और देखते हैं कौन सी बस हमें हमारे हॉस्टल तक लेके जाएगी। तो अभी बारिश से बचने के लिए मैं इस कैसल के नीचे आके रुकी हूँ, और एग्जैक्टली वहाँ से मेरी बस छूटेगी जहाँ पे अभी पीली वाली टैक्सी खड़ी है, और आई थिंक मुझे मेरा बस दिख गया। तो लास्ट बस मेरी शायद 5 सेकंड के लिए छूटी है, मैं वहाँ पे थी और मुझे दिखा नहीं था यहाँ पे कोने में बस आ चुका है, और जब तक मैं पहुँची बस छूट गया। तो अभी फिर से शायद 2-3 मिनट में दूसरा बस है, और इस बार मैं बारिश में खड़ी हूँ एकदम बस स्टॉप के सामने, कि इस बार बस नहीं मिस होना चाहिए। लेकिन हंगरी में हम टैप का पानी पी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के टैप के पानी में बहुत ही ज़्यादा फ्लोरीन है। तो मैं अभी जाऊँगी ग्रॉसरी स्टोर और वहाँ से लूँगी पानी, और शायद कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लूँगी। फिर किसी नए देश जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं वहाँ के ग्रॉसरी स्टोर एक बार चेक कर लूँ कि शायद कोई नया फ्रूट दिख जाए या फिर कोई नए टाइप की चीज़ें दिख जाए। तो यहाँ पे तो मैंने पूरा सुपरमार्केट अच्छे से ढूंढा, लेकिन मुझे सारी नॉर्मल चीज़ें मिली, बट सबके ब्रांड्स अलग थे, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख गई जो मुझे इंडिया में भी मिलती है। तो पानी के साथ साथ मैंने मैंगो कॉफ़ी भी लिया, जो कि बहुत ही वाही हाथरा टेस्ट में, आप कभी मत ट्राई करना। और रात को मैं गई थी यहाँ के कुछ लोकल डिश खाने, तो इसे बोलते हैं गोलाश, और ये बहुत बड़े ब्रेड में बहुत सारा चिकन का स्टू आता है। तो उसके बाद मैं कुछ लोकल बार्स में भी गई और मैंने थोड़ा पब क्रॉल भी किया, और उसके मैं कुछ क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी। बुडापेस्ट डे 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइए। Oops, I did it again.